वाकई में गौरव, जिस तरीके की पारी की उम्मीद हम कर रहे थे और शाम को जैसे हमने कहा कांटे का मुकाबला, तो इसे कांटे का मुकाबला ही कहेंगे क्योंकि एक तरफ स्टीव स्मिथ थे और दूसरी तरफ केएल राहुल थे, तो दोनों की पारियां हम आपको दिखाते हैं, आप एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं साथ ही में यहाँ पे गौरव। बिल्कुल, दोनों कप्तानों ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आज अपनी भूमिका निभाई है, इसको कहना होगा। और दोनों ने, जैसे कहते हैं, लीडर जब फ्रंट से लीड करता है तो टीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, वही दिखा। राहुल ने पूरा मौका दिया मयंक अग्रवाल को, वो अपनी पारी बहुत तेजी से खेलते गए और राहुल ने उनको पूरा साथ दिया। बिल्कुल, यहाँ पे सही बात कह रहे हैं। स्टीव स्मिथ की अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ भी अच्छा खेले, कहीं हम देख रहे थे कि जो टॉप ऑर्डर है, हालांकि जोस बटलर यहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, पहला मैच भी था, लेकिन स्टीव स्मिथ के जो आंकड़े हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 50 रन 27 गेंदों पर, 7 चौके 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 185 के आसपास का। दोनों कप्तानों पे बात करेंगे रीमा, लेकिन स्टीव स्मिथ जैसी उम्मीद थी वैसा खेल। जी हाँ, ये मुकाबला कहीं ना कहीं बेस्ट वर्सेस बेस्ट था, एक तरफ स्टीव स्मिथ और एक तरफ केएल राहुल, दोनों ही अच्छी फॉर्म में, दोनों ही अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं, दोनों ने बेहतरीन शुरुआत दिखाई, आगाज जो था बहुत अच्छा हुआ, अंजाम थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जीत हुई है आज क्रिकेट की, क्योंकि इतना अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है ना कि आप काफ़ी युवा पीढ़ी जो है वो घर बैठ के भी क्रिकेट सीख सकती है कि अगर विशाल स्कोर हो तो आप हार ना मानिए। आपको लगता है शुरुआत से रन रेट, जी शुभ, आंकड़े हम देख रहे थे, स्ट्राइक रन रेट इस IPL इस T20 लीग में सबसे ज्यादा जोफ्रा आर्चर का है और 370-400 के आसपास का, और आज भी 3 बॉल में 13, तो क्या वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था, 3 बॉल में लास्ट में आकर एक प्रेशर इनिंग में, आज भी बिल्कुल गेंदबाज है वो, बैट डाउन पर आना, टॉम करन के ऊपर आना, तमाम बैट्समैन के ऊपर आना, देखिए इसका फायदा उठाया है आरआर ने और उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कोई भी ग्राउंड क्लियर करने की क्षमता है तो आप ऐसे इसको ऑलराउंडर तब्दील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गेंदबाजी भी करते हैं लेकिन बड़ी शॉट्स करनी है तो आप जोफ्रा आर्चर को भेजिए, उस दिन भी था और आज भी था, और ये अच्छी चीज है क्योंकि सेकंड नंबर पर पैट कमिंस है, तो दोनों बॉलर्स के स्ट्राइकर बैट्समैन से भी अच्छे हैं। यहाँ पे सुषमा से भी पूछ लेते हैं, आपको लगता है स्टीव स्मिथ की तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए, रन रेट बना के रखा ताकि चेस करने में आसानी हो? बिल्कुल, जब तक स्टीव स्मिथ खेल रहे थे तब तक बिल्कुल, आप जिस तरीके से हम कहें कि राजस्थान रॉयल्स लग रहा था कि आराम से मैच जीतेगा, बट बीच में थोड़ा सा टेंस मैच हो गया था, राहुल तेवतिया का थोड़ा सा स्लो स्टार्ट मैं कहूँगी, वो कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद बहुत फर्क पड़ा, बट लेटर ऑन जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को अपनी कैपिटलाइज किया वो बहुत ही इनक्रेडिबल। बिल्कुल, तो हम राहुल तेवतिया की बात जितनी करें उतनी कम है, लेकिन मयंक अग्रवाल को क्रेडिट देना पड़ेगा। तेवतिया का स्कोर कार्ड आपको हम दिखाएं जल्दी से, और उससे पहले क्योंकि हम राहुल और दोनों कप्तानों की बात कर रहे थे और राहुल ने अपनी भूमिका इसलिए भी अच्छी निभाई क्योंकि मयंक का उन्होंने पूरा साथ दिया। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है कि उन्होंने भरोसा जताया कि मयंक को यहाँ पे भी T20 में भी ओपनिंग कराई, टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू किया था इंडिया के, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटा दिया वाइड बॉल में भी, और ये एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है अपने पार्टनर पे, कर्नाटका के लिए भी दोनों साथ खेलते हैं और वो इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में, इनके अंडरस्टैंडिंग में भी दिखा कि एक टाइम पे जब मयंक लगातार बड़ी शॉट्स कर रहे थे तो राहुल थोड़ा संभल के खेल रहे थे, आज सेकंड फिडल उन्होंने रोल प्ले किया और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ये ओपनिंग पेयर, सबसे डेंजरस है इस टाइम IPL का। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल ने जिस तरीके से शतक आज जड़ा है उसमें बहुत अहम योगदान आप बोलेंगे केएल राहुल का, जैसे उन्होंने कहा जब रन ले रहे थे या फिर आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो एक सीनियर का जूनियर पे जो विश्वास है वो नजर आ रहा था कहीं ना कहीं। देखिए सीनियर जूनियर तो इन दोनों में से कोई है नहीं, ये दोस्ती थी जो नजर आई, एक दूसरे का साथ निभाते नजर आए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए नजर आए, और बहुत जरूरी है क्रिकेट में। जी बिल्कुल,